हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बार बार शोल्डर डिसलोकेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब जगह है नहीं। कई जगह तो लोगों को लगता है चूर्ण चटनी से या पट्टा बांधने से ही शोल्डर सही हो जाएगा। आज भी मेरे साथ एक ऐसे पेशेंट मौजूद है जिनका कि कंधा बार बार उतरता था और इनका इलाज हमारे यहाँ हुआ है। दूसरे एक और पेशेंट का एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको दूंगा, जो मेरे पास कल आए थे और उन्होंने पहलवान से इतनी मालिश करा ली कि पूरा कंधा ही खराब हो गया। तो किसी भी तरह की मालिश, चूर्ण चटनी और पट्टा बांधने के चक्करों में तो आप बिल्कुल मत पड़िए, इससे कंधा खराब हो सकता है। तो पीयूष के साथ क्या हुआ, वो की स्टोरी अपन जानते हैं आज। पीयूष जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर, लालसोट दौसा। आपको जो शोल्डर था वो कैसे उतरने लग गया था? सर, कबड्डी गेम में उतरने लगा था मेरा। पहले शुरू में पता नहीं चलता था इस चीज़ का, तो अपने आप बिठा लेता था। उसके बाद थोड़ी नॉलेज हुई तो फिर आपके पास आया। तो आप लोगों को ये पता नहीं था क्या शुरू शुरू में कि कंधा उतरना कोई बीमारी होती है? हाँ सर, बिल्कुल पता नहीं चलता इस चीज़ का। कबड्डी में तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में आते होंगे जिनके कंधे उतरते होंगे। हाँ सर, लेकिन नॉलेज आए नहीं, किसी से पूछने का वो करा नहीं। तो जब आप यहाँ पर आए, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर यूट्यूब पर कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती है और जब रियल जाते हैं तो कुछ अलग ही होता है। तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, बेहतरीन एक्सपीरियंस। यहाँ का मैनेजमेंट सब बढ़िया है, किसी से कुछ भी पूछते हैं वो भी सब बताते हैं, तो अच्छा है सब यहाँ। सर, कई लोग डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराते कि पता नहीं कितना दर्द होगा, कितनी दिक्कत आएगी। तो कितना आपको दर्द हुआ? सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ, एहसास भी नहीं हुआ दर्द का। तो आप मानोगे कि भाई जो लेटार्जेट सर्जरी है बिल्कुल ही पेनलेस सर्जरी है, इसमें कोई दर्द नहीं होता? बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों, कंधा बार बार उतरने का जो सोल्यूशन है वो दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर है और एक एडवांस लेटार्जेट सर्जरी है। अब जो आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर है वो उन लोगों के हैं जिनके कि 4-5 बार कंधा उतरा है, बोन लॉस ज़्यादा नहीं है, हिलसेक नहीं है, या हिलसेक है तो ऑन ट्रैक हिलसेक नहीं है, ऑफ ट्रैक हिलसेक है। और दूसरी बात यह है कि उनका डिमांडिंग काम नहीं है, बहुत ज़्यादा पहलवान जिम करना जैसे पीयूष कबड्डी प्लेयर है वैसी एक्टिविटी नहीं करते, या तो बैंक में काम करते हैं या टीचर है या ऐसे प्रोफेशन में जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड नहीं होता, तब तो आप आर्थ्रोस्कोपी के लिए जाओ। लेकिन अगर आपका कंधा बार बार उतर चुका है, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 बार उतर चुका है, उसके बाद आपका जो बोन लॉस है वो ज़्यादा है, या फिर हिलसेक का लीजन बहुत बड़ा है, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एडवांस लेटार्जेट प्रोसीजर जो हमारे यहाँ किया जाता है उसकी आप मदद लीजिए। क्योंकि इस प्रोसीजर की खास बात ये होती है कि इसमें क्योंकि बोन ब्लॉक लगाया जाता है तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, बार बार डॉक्टर को दिखाना नहीं पड़ता, रेंज ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कंधा जाम नहीं होता, तो मेरे लिए प्रोसीजर ऑफ चॉइस रहता है। अगर आप लोगों को अभी कंधा बार बार उतरता है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करो और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। जहाँ तक पीयूष का सवाल है, 45 दिन के लिए इनको ये पट्टा लगाना है, उसके बाद हम ये पट्टा हटा देंगे, उसके बाद इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे, 3-4 महीने में इनका जिम स्टार्ट करा देंगे। जो इनके स्टिचेज हैं, बहुत कम 4-5 स्टिचेज आते हैं, वो आप 17 दिन के बाद निकलवा सकते हो। बहुत ज़्यादा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मिनिमम सी दवाइयाँ होती हैं वो आपको 14-15 दिन लेनी पड़ती है। नहाना धोना इधर 8-10 दिन में चालू कर सकते हैं, खाना पीना तो ये अभी भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, कोई चिंता घबराने की बात है नहीं, आप आ सकते हो, आराम से करा के जा सकते हो।